हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से नई भर्ती निकलने वाली है 2024 के अंदर, और इन पदों की जो संख्या है वो 1 लाख से ऊपर जाने वाली है। किन किन पदों पर ये भर्ती निकलेगी, कब कब ये भर्ती निकलेगी, मैं आपको पूरा तरीके से बताने वाला हूँ। और मैं खुद एज अ रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो आपको बताऊँगा कि मेरी इनमें से कौन सी पोस्ट है और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। साथ ही साथ आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में ये बताऊँगा कि आप मेरे जॉब को पाने के लिए किस तरीके से कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसमें प्रोसेस होती है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ती है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सारी कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से जैसा कि आपको मालूम है, नई भर्ती के लिए कैलेंडर आउट कर दिया गया है, एक पूरा ईयरली कैलेंडर, जैसे कि SSC बैंक जारी करते हैं उस तरीके से रेलवे ने भी अपना एक प्रॉपर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि उसमें प्रॉपर डेट मेंशन नहीं है, बट उसमें मंथ बता दिया गया है कि किस मंथ में किस पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म भरवाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि अनुमानित पद अभी के हिसाब से कितने हैं, 50,000 पद हैं अभी के हिसाब से। अगर देखें 50,000 पदों पर ये भर्ती पूरे साल के अंतर्गत निकलने वाली है, केवल यहाँ तक मैं बोलूँगा, ठीक है, यहाँ तक। अगर इसको मिला दें तो हो सकता है कि ये पद 1 लाख के पार भी पहुँच जाए। इसमें RPF वगैरह के अगर जोड़ देंगे तो वो पद ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। RPF की मैंने इसमें ऐड नहीं किया, RPF SI कॉन्स्टेबल की ऑलरेडी निकल चुकी हैं, ठीक है। देखिए तो इस जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या इन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर जनवरी से अप्रैल में ये निकालने वाले थे ALP का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का, जो कि ये ऑलरेडी 20 जनवरी से 19 फरवरी तक इसके एप्लीकेशन निकाल दिए गए हैं। 20 जनवरी से 19 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें पदों की संख्या 5,667 कुछ है, तो 5,600 प्लस आप मान सकते हैं 5,700 के अप्रोक्स है इसमें संख्या, तो 5,600 यहाँ हो गए। अब इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इसका जो नोटिफिकेशन ये निकालने वाले हैं वो अप्रैल से जून में निकालेंगे, बट इसका आप देखेंगे तो अपडेट आ रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपकी पोस्ट रहेगी टेक्नीशियंस, इसमें ITI वाले जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पदों की संख्या इन्होंने जारी किया वो 9,000 के प्लस रहने वाली है, ये अभी रेलवे की तरफ से आंकड़ा दिया गया। भविष्य में इनमें जो संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद है, यहाँ पर भी आपके जो पद बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए रेलवे के प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर, यहाँ पर हैशटैग भी जो है ट्विटर पर जो आपका ट्वीट्स हैं वो किए जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है वो है आपकी जुलाई से सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है आपकी NTPC, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट है रेलवे के अंदर। इसमें दोस्तों कितने तरीके की पोस्ट निकलती हैं, तो इसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, चार पाँच तरीके की जो पोस्ट है इसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके साथ ही आपको जो इस दौरान JEE यानी जूनियर इंजीनियर का, जो लोग इंजीनियरिंग की डिग्री किए हुए हैं, BTEC किए हुए हैं, उनके लिए पोस्ट निकलती है। इसके अलावा पैरामेडिकल, जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, तो नर्सिंग वगैरह की रखी है, उनके लिए ये वाली जो पोस्ट है वो निकलती है। बट जो सबसे मेन पोस्ट है वो है NTPC की, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मेरा जो सिलेक्शन है दोस्तों इसमें, एक सेकेंड, मेरा जो सिलेक्शन है वो लेवल 5 पर हुआ है, ठीक है। कौन से लेवल पर हुआ है, लेवल 5 पर हुआ है, और मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे में, ठीक है। क्या हूँ, सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे में। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको जो भी जानना है रेलवे के बारे में, किसी भी पोस्ट के बारे में, मेरे बारे में जानना है कि मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, मेरे साथ क्या क्या प्रोसेस हुई थी, पूरा आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। साथ ही साथ मेडिकल किस तरीके से हुआ था, पूरा मेरे पास उसका डाटा है, किस तरीके से मेडिकल होता है, टाइपिंग किस तरीके से होती है, प्री मेंस, इसके अलावा DB, इसके बाद पोस्टिंग कहाँ मिलती है, इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, सैलरीज़ क्या मिलती है, सारा कुछ आपको मैं अपने बारे में जानकारी दे दूंगा। तो आप नीचे कमेंट कर दिएगा, जितने आपके कमेंट आएंगे मैं प्रत्येक टॉपिक को नोट करके उस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा NTPC के थ्रू लेवल 5 पर सिलेक्शन हुआ था, जो कि आपकी भर्ती इससे लास्ट निकली थी 2019 में, जिसकी जो ज्वाइनिंग हुई है मेरी 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। चार मुझे यहाँ पर लग गए, वो कोविड आ गया था, इस दौरान यहाँ पर जो पेपर है थोड़ा डिले देखने को मिला, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जुलाई से सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। इसके साथ JEE और पैरामेडिकल की पोस्ट भी यहाँ पर निकलने वाली है। सबसे मेन पोस्ट है NTPC, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, 12th से भी निकलती है, ग्रेजुएशन से भी निकलती है, सिंपल ग्रेजुएशन, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें इंजीनियरिंग मांगते हैं, इसमें भी ITI डिप्लोमा वगैरह होनी चाहिए, इसमें भी ITI वगैरह या आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए, बट इसमें
सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल ट्वेल्थ अगर आपने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो लास्ट में निकलती है वो आपकी निकलती है ग्रुप डी की पोस्ट। ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जैसे एसएससी में एमटीएस की पोस्ट होती है, यहाँ पर भी ग्रुप डी की पोस्ट होती है, जिसे हम लेवल वन नाम देते हैं, जो कि आपका बेसिक जो रेलवे में पहला जो लेवल होता है वो ये पोस्ट होती है। इसका जो फॉर्म निकलेगा अक्टूबर से दिसंबर में निकलेगा, और इसका जो पेपर वो हमें अगले साल 2025 में जनवरी या फरवरी में देखने को मिल सकता है। इसमें पोस्ट की संख्या अभी अनुमान पता नहीं है, बट इसमें पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे पहले जो 2019 में इसमें जो पोस्ट निकली थी वो निकली थी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इसमें निकली थी, और जो एनटीपीसी था इसमें 35,000 पोस्ट निकली थी, ठीक है। आगे बताऊंगा किस तरीके से इसमें पोस्ट निकलती है, नोटिफिकेशन में क्या रहता है, एज क्या मांगते हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मेडिकल, सब कुछ बता दूंगा। नीचे कमेंट जरूर कर देना, इसमें क्या होता है ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट जॉब रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ कैलेंडर था जिसमें किस तरीके से पोस्ट निकलती हैं, किन किन कैटेगरीज पे निकलती है, कब कब इसके एग्जाम होंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा वायो डाटा दे दिया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप जितना कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि आपको किस पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल जाननी है, या रेलवे में क्या क्या फैसिलिटी, सैलरी, जॉब प्रोफाइल क्या है, जो भी कुछ आपको जानना है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ अपने बारे में बनाऊंगा कि मैं एज अ एक सीनियर क्लर्क एज अ इंडियन रेलवे में किस तरीके से बना, अभी मेरी ड्यूटी कहाँ पर है, सैलरी मुझे क्या मिलती है, इसके अलावा ऑल अदर बेनिफिट्स मुझे क्या मिलते हैं, सारा कुछ आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये सारी अपडेट्स डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है, तो जुड़ जाइए जाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ग्रुप्स वगैरह में जरूर कर दिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।